हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बोलांगिर के मोड़ा कुछ गांव का नाम है, वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे कुछ फिशेस का जो क्या बोलते हैं जाला, छोटे फिशेस वो मिल रहे हैं। थोड़ा ये लेके जाऊँ और अपने तालाब पे रखूँ और फिश फार्मिंग का एक नया एक्सपेरिमेंट करूँ। यहाँ पे आप लोग मतलब ले सकते हो ये जाला वगैरह जो भी। हाय भाई, तो मिलवा जाला। तो शूटिंग कर अभी तो किसी प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ कितने गाना कर छो रेट कंता गाना कर छो रेट 66 वाला हो जाए भाई मेरे काल बिग रेट ए कारप्लीस हो छे कारप्लीस आउ ग्रास क्रॉप दी रहो छने के केजी भी कुछ की कंता गाना केजी कितने पटावा केजी तामने आसपा मोर ग्रास आसपा या 140 ঠিক আছে দেখাবো মতো দেখে দিও ঠিক আছে তারপরে দেখাবো আসো ভাই আসো কেন তোমার না সুমন্ত সুমন্ত ওকে তো সুমন্ত ভাই হমে থাকা গাইড করেন ইহা পে বহুত হি বড়িয়া তরিকে সে ফিশ ফার্মিং কিয়া যা রা আর মে এসে হি যা রা থা সাইড পে আর দেখা জসো নেটিং ওগেরা কোই রখিও চা রা নে তো ইয়ে লোক জো জালা কো লা কে মতলব ইহা পে ছোড়তে হ্যাঁ আর বহুত হি বড়া ইলাকে পে ফিশ ফার্মিং কিয়া গয়া হ্যাঁ देखा है ग्रास क्रॉप दूसरा था को ओके चिरंजीवी तांडिया हाँ सब्सक्राइब ओके तुम्हारा ना गाना भाई हाय कोई दर्दी तो ये भाई मुझे देखे कि मैं कैमरा पकड़ के ऐसे शूटिंग कर रहा हूँ तो पूछे कि भाई क्या नाम है चैनल का एक सब्सक्राइबर मिल गया है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मतलब ये बोर्ड है उन्होंने ना ये थोड़ा बड़ा साइज का ये रखना भाकुर तो ये नहीं ग्रास क्रॉप देखो मुझे कार्पलिस एंड ग्रास क्रॉप जो मतलब अब भाई कहाँ कसू तुम्हें पूरा पूरी हाँ क्या यस गुड भाई गुड मॉर्निंग चलो भाई बाय हाँ पहुँचे देखो वीडियो सब देखो भाई 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 ये रखना ग्रास क्रॉप आओ छोट साइज ना टी ছোট সাইজের বেশি কেজি আবার না যা টিকি এড়কি দেওয়া না টিকি হয় অধিক পিস হল না টিকি হ্যাঁ তাহলে ছোট লোক চলবা টিকি হ্যাঁ সাইজ দিও এ সাইজ কেজি কেতে বলো এটা এই 600 হবা বেশি হবে না কেই 600 এটা মোর ব্লগ মোর চ্যানেল আছে ইউটিউবরে তো মুই যাই যাই আসি শুটিং করছি টিকি টিকি মোর নিজের ভিতর লাইফকে এমনটাকে স্টোর করে রাখছি আজি মাছ ছাড় মোর বন্ধ আছে তো কেন তোমার নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ আর সুমন্ত তো মুই ইনু নেইকে যিনি মনে ছাড়নি এটাকে ক্যাপচার করে রাখছি তো ঠিক আছে ভাই হে সাইজ এনে দেখালো গা হে ছোট সাইজর দুই দুই কেজি খনে দিয়ে দিও এটা আর ওইটা কার প্লিজ এটা বি 600 হ্যাঁ গো কম করো টিকে না না কার প্লিজ আর ভাকুর 750 ঠিক আছে চলো সুমন্ত ভাই গাইড করো মানে আপনার দিখা দূগা ওখানে যে ব্যানার আগে আপ ফিশ ফার্মিং করার চাহতে হো ফিশ কাজ জানা চাই তো আপনার আগে কন্ট্যাক্ট কর সকতে হো বোলাঙ্গির কে মোড়মোড়া গাঁও মে হ্যাঁ সুমন্ত ভাই হমে গাইড করতে হুয়ে যো ভি ফিশেস আগে আপনার চাই তো আপ মলমন্ডা কে কা না ফার্ম রো না কৃতি মাছ জানলা কেন্দ্র কৃষি মাছ জানলা কেন্দ্র ইহা পে আপ কৃতি कृति मास जाना केंद्र पे आके आप कॉन्टैक्ट कर फिशिंग सेंटर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ओके हटा उठ कहाँ लगी थी तो ओके तो ये पानी ड्रेनेज के लिए दिया गया है और इन्हें भी माछ छोड़ने का ओके तो ये ज़्यादा पानी होएगा तो यहाँ से बाहर आके फिर से चला जाएगा इन्हें माछ नहीं हो माछ
ओके तो जदि गुटे नुआ लोक माने करबा के चाहू छी फिश फार्मिंग काना ताके दरकार रिक्वायरमेंट काना है वारा नहीं पारे हां हां वारा जेंडा करबार कथ सेटा है बा जेंडा की मागुर पानी बाकी नहिले हमर एंदा मुडा टाइप रो करले छोट बम टाइप थिले हां छोट बम टाइप रो करले खाना पीना देले भी चलबा ने ठीक है तो मैंने पूछा कि मतलब अगर ठीक हो जी भाई थैंक यू कुआं में हम फार्मिंग कर सकते हैं क्या तालाब वगैरह होगा तो आप फिश फार्मिंग कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे अच्छा लगा कि मतलब अपने गांव के बाजू में ये चीज़ है मुझे पता नहीं था ये देखो नेटिंग किया गया है ताकि कोई भी चिड़िया आके आपका मछली ना खा पाए और एक एक्सपोजर मिल गया हमें और हमारे वहाँ पे एक छोटा तालाब है मैं आपको दिखा रहूँगा जो रिवर हंट पार्ट 4 वाला ब्लॉग पे मैं दिखा रहूँगा मेरा तालाब इतना बड़ा नहीं है बट छोटा है वहाँ पे मैं कुछ फिशेस लेके छोड़ सकता हूँ और उधर बड़ा तालाब है क्या मैं उधर जा सकता हूँ यस आई कैन शो यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिश फार्मिंग देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ए बिट ये बड़ा तालाब है यहाँ पे फॉर श्योर कुछ बड़ी मछलियाँ होंगी और ये जो है छोटा मतलब उसको फिर सेग्रीगेट कर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ 8 तो इधर 8 है उधर भी 8 होंगे तो 16 छोटे छोटे तालाब और एक बड़ा तालाब फिर सामने में और छोटा छोटा सेग्रीगेट करके जो फिशिंग क्या बोलते हो जाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता जो सीट्स बोलते हैं फिशिंग जाला को उधर रखें तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो तालाब है इन नियर फ्यूचर कुछ ना इस तरीके से नहीं होने से भी थोड़ा एक दो सेग्रीगेशन करूँगा और अच्छे से बड़ा वाला बनाऊँगा थोड़ा खर्चा आएगा बट दैट विल बी वर्थ इट और आपको मैं एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ सुमन तो भाई कुछ उनका कस्टमर आ गया तो वो चला गया उधर हर जगह पे पंप लगा हुआ है छोटा छोटा टुल्लू पंप ताकि पानी को इधर से उधर किया जा सके और ये जो जाला आप देख रहे हो उसको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर आप पंप चला दो पानी में तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अंदर जाता है और ये जाला सब जिंदा रहते हैं बहुत बढ़िया है तो अभी हम अपना पैकिंग करेंगे पे क्या किया जा रहा है कहाँ कुछ बेटा भाई ओके डबल पॉलिथीन और राइट और असली ऑक्सीजन दबा ठीक हो जाए ठीक अच्छे ओके कितने पैकेट दबो छोटा पैकेट दबो तो आधा आधा के जी बनेगा दोमी रहा छः पैकेट फिशेस जाने वाले हैं प्रोसेस सही है पहले पॉलिथीन में पानी रखा गया है ऑक्सीजन के पास अभी हम मछली पकड़ने जा रहे हैं और जैसे ही मछली पकड़ के आएंगे ये वजन भी करेंगे शायद अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कोई अगर फिश फार्मिंग करना चाहता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू हिम और सब्सक्राइब जरूर कर देना नित्य और सुमंत भाई दोनों फिश पकड़ते हुए चल बात है और राइट बेसी टाइम बाहर वाले मोरू बाजू का थैंक यू ठीक है दियो रुको पानी दे दियो इसको फिर लेके हम वो जो पॉलिथीन में डालेंगे ठीक है जी पहला भर गया होगा और इसका पहले पैकिंग कर लेंगे सुमंत भाई और नित्या भाई इटा गोटे कहना नित्या भाई इटा कहना ब्रीडिंग आमर हाँ ब्रीडिंग करा ऐसी जेटा तमने माज अंडा आसी करी ने जेते बेले तमने पड़वा ई राउंडिंग रे पैन पड़ी करी तमने
अंडा 40% अंडा मास से पाते हैं। तो ये एक ब्रीडिंग यूनिट है जहाँ पे फिश का मतलब एग से फिश निकाला जाता है, ऐसा ही समझ लो कुछ। ओके तो इटा मुई 30 किलोमीटर जिमी चलो किसी प्रॉब्लम नहीं से। हेलो गाइस तो नित्या भाई बढ़ गए तो पक्का टोटल दुई के जी दल ना बोट करा सब दुई के जी बोट करा ना ओके 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 ठीक अच्छे ऑल राइट। तो ये अभी पैकिंग होने वाला है देखो नहीं मरवा कथा कितने ऑक्सीजन दिया से किसी परिमाण की नहीं तो जते दले चल इटा तामने अमर जरूरी जन होते ଆମେ ତ ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ଯେନ୍ ଜରୁରୀରେ ଯେତେ ଦେବାର କଥା ସେତିକି ଦିଆହେସି ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ଯିବାର କଥା ଚଉଛି ଓକେ ବାକିଟା ଅଧା କେଜି ଦିଆ ପଡ଼ୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ତୋ ଏସେ ୟହାଁ ପେ ବି ମତଲବ ଦିଆ ଯାଏଗା ଅଭି ଅକ୍ସିଜେନ और फिर हम इसको गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे और तालाब पे छोड़ेंगे। आप बने रहें इस वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मछली को तालाब पे छोड़ूंगा। इधर किसी प्रोसीजर से छड़वा लेंगे ताकि नहीं मिला रहेंगे नहीं डायरेक्ट छड़वा लेंगे। ओके ऑलराइट पानी के गरम मिट्टी वाला बोल रहा है अंदर है भीतर छल्ला छोड़ देंगे भीतर जाके छड़ में दीजिए। अब जब ये पैन गरम हो से बोले तो हम ले गए तो लाडू पैन बाहर तो बोल रहे हैं कि थोड़ा ठंडा पानी में छोड़ना, गर्म पानी में इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो अब जी खाना पीना कहाँ दिया जाए मान को खा बाटा देसी हिसाब से दले कम आकार रे गोबर गोबर ओके आओ टोल रो छाली रो पिड़ुआ टोल पिड़ुआ कोल पिड़ुआ गले नहीं टोल मोहुल रो टोल मेसी ओके ओ ये नाम हो छतुआ अरे चलवा चले ऑलराइट। तो इनका जो खाना है वो मतलब गोबर गाय का जो डंग है काऊ डंग वो देना पड़ेगा और छतुआ जो गवर्नमेंट सप्लाई है बच्चों को देते हैं वो देना पड़ेगा। मेरा कैमरा थोड़ा यस ओके ये नया कस्टमर आए अभी खरीदने के लिए स्पेशल मिली जाएगी सब में बोला मिली तो ये पैकिंग हो चुका है तो ओके ठीक है हमारा पैकिंग हो चुका है और सुमंत भाई हम हेल्प आना तुम माता तुला तुला नहीं पोड़वा दा पोड़ला भी नहीं फटे ओके। तो मैं तो एक लेके जा सकता हूँ भाई साहब कहाँ जाएगा वो ये जाएगा सर गांव तालाब में नियो सुमंत भाई प्लीज मुझे समलपुरी जान से आ गया मोर ऑडियंस हिंदी है मोर गोटे यूट्यूब चैनल अच्छे तो से माने जे देखसन से माने हिंदी वाले देखसन तो थैंक यू द मास बोन तो से छाड़ देनी भाऊ छन बोइरखम तोरवा पाखे अछ हां हां जाबो रखी दो बुझा बुझी का रखी दो चलो बहुत हेल्प कोला थैंक यू आउ थोड़े आमी जदी भल बोलले बोले आई विल वेलकम अगेन ओके नेक्स्ट ईयर बढ़िया दे लेंगे थैंक यू अगेन चलो ओके।
ଆମର ଅଲଗାଟା ଯଦି ନେଇଥିଲେ ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକା ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଫାଟ ନାଇଁ ପଡ଼େ ତ ଇ ତୋଲା ଥୋଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଇବି ବୋଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ଫାଟିଲା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସେ ମୁଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ये आप देख लो यहाँ पे कृति माछ जाला विक्रय केंद्र फोन नंबर वगैरह भी लिखा गया आप यहाँ से कलेक्ट करके आप लोग आ सकते हो यहाँ पे चलो भाई बाय बाय देखो पॉज करके देखी पा रहे नो प्रॉब्लम इसको ओके बाय ऑलराइट ये मरमड़ा का एक गेट मिलेगा आपको अब जब बोलांगीर से आते हो आपको लेफ्ट लेना होता है फट गया एक्चुअली एक अचानक से ब्रेक डालना पड़ा और एक फट गया तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत तालाब पे जाता हूँ ओके मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ मुझे जल्दी से तालाब पहुँचना पड़ेगा और ये साइड पे मेरा फार्म आप देख सकते होगे आप देख सकते हो फट गया पूरा कोई बात नहीं इसको पहले छोड़ा जाएगा अभी रेस्क्यू किया जाएगा इन्हें तो यहाँ पे तालाब पे लोग नहाते हुए खुलो खुलो ऑक्सीजन सॉरी लग मोरी पहुंचे पूरा चिरी दो नहा কিন্তু উল্টে উল্টে দাও জড়ে গিয়ে তোলে গে ছাড়ো তো ये वो तालाब है हमारा छोटा सा बाहर अपने ओके गाइस चलो 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 बॉयज Thank you.
of last. This is the last one. Okay. So finally, हमने ये मछली तालाब पे छोड़ चुका है. अभी इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो एक साल का रहेगा. एक साल के बाद देखते हैं कितना बड़ा बड़ा होंगे ये मछली और फिर हम इसको मतलब नेट के सहारे पकड़ेंगे और बेच दिया जाएगा. ओके तो दिस मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करूँगा. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लेना. ये फिश का दुश्मन उधर घूम रहा है. आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं बट देर इज़ ए बर्ड. वो पानी के अंदर जाता है और फिश को लेके निकलता है. फिर तो उसके लिए कुछ तो प्लास्टिक वगैरह बीच में डालना रहेगा जिसका शेडो से वो नहीं आएगा. ओके एनीवेज जैसे कि मैं हर वक्त बोलता हूँ गाइस, यू गाइस ऑलवेज टेक क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.